चल बात तेरी ने सब क्यों खोस लिया, इस चार इंच पांच इंच में भर दिया सारा क्या रखा ले। जमुना जी गणे नहाया होया करते, जमुना का भजन ही बिना रखा है। वेद सना वेद है, लिखा रग वेद, यो रग ऋषि से यो अंगीरा वो अग्नि तो वो एक रखा है। घाघरा पर रहते बावन गज का तो ये झूठ बोले, बावन गज कड़े तो खेचे अपन बावन कली बनिया रहती। लक्ष्मी भी देख रखा, माई चंद रत्ती सब देख रहे, सिंह की भी सारी सुन रखी। राम राम जी सारे ने, मैं रणवीर सिंह धनखड़ और आप देख रहे हो हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब यूट्यूब चैनल। आज अपने साथ में बैठे हैं ताऊ चौधरी मेहर सिंह शास्त्री गांव गिज्जी से। मैं आपने बता दूं कि ये एक लेखक हैं और जो ताऊ ने जो दो किताबें लिखी हैं उन किताबों का नाम है नहले पे दहला और बाण में बसंत, जो ताऊ जियों की जो उम्र है उसके ऊपर परिभाषित करती हुई किताब है बाण में बसंत। इन्होंने हर सामाजिक मुद्दे पर रागनियां लिखी हैं जो इन दो किताबों में संग्रहित की गई हैं। और ताऊ जी का जो जन्म है 1930 का है और 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आप समझ सकते हो कि जब देश आज़ाद हुआ तब ये युवा थे। फिलहाल इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और पाँचवीं क्लास तक ये पढ़े हुए हैं। उस समय पर पाँचवीं क्लास का मतलब ये हो गया कि आज के टाइम पे बीए और एमए ग्रेजुएशन, उस टाइम पे आपने बेरा है कि उर्दू की पढ़ाई होया करती। आज के टाइम पे उर्दू के जानकार बिल्कुल भी नहीं मिलते और साथ में हिंदी भी पढ़ रखी है और तीन भाषाओं के अंदर दस्तक कर सके हैं और तीन भाषाओं ने पढ़ सके हैं। तो ताऊ राम राम, हमारे सारे दर्शकों ने जय राम जी कर दो। राम राम सब ने, नमस्कार। हरियाणवी संस्कृति फैन क्लब के सभी जुड़े हुए दर्शकों को हमारी तरफ से राम राम नमस्कार। ये मैं बता दूं, ये साथ में अपने साथ के जो बेटे हैं मेहर सिंह जो के छोटे बेटे हैं, ठीक है, और इनका नाम नरेंद्र, नरेंद्र कुमार जी सर का नाम है और ये हरियाणा रोडवेज के अंदर कार्यरत हैं। आपने मैंने सुना है इन रचनाओं के साथ साथ में कुछ सामाजिक कार्य भी किए हैं। हाँ, सारे सब सामाजिक कार्य करे हैं गांव की भलाई में। जैसे ये जो लेखन का शौक था आपने, हाँ, जो लिखा किताब लिखी लेखन का शौक आपने कड़े थे पैदा हुए। ये रागनी रुगनी सुनो ना, मैं पढ़ डालता शास्त्र वास्त्र महाभारत गीता यो स्वामी दानंद का सत्यार्थ प्रकाश और यो एक और वो आते सारी पढ़ रखी है। इन तो पढ़ पढ़ मेरा दिमाग उज्बल हो गया, मैं पढ़ा रूँ गणा किताबा में भी, किताबा तो मैंने लिखता को ना मैं लिख सकता। तो मतलब ये जो आप लिखो हो रागनी या जो भी आप रचना लिखो उन अपने बेटे तय बताओ वो उन्हें किताब में तार दे। हाँ, ये तार दे, आप इन्हें बता दो भाई ये बात इन्हें तार दो। हाँ, ये तार दे है, ये लखनिया तार दे, मैं नहीं लिख सकता। तो ये बताओ, आपने तो उम्र के 90 साल तकरीबन देखे हैं ज्यादा, उस टाइम के इस टाइम में कितना अंतर आप महसूस करो हो? जब तक उज्जर देश था तो स्वर्ग मारे था, उस जन्म तो उस तो बहुत बुरी हालत थी उस वक्त में, और आज तो सारे ठाठ हो रहे के बताऊं, अब तो चांद में पहुंच रहे हैं। संस्कृति में बदलाव आ गया और जो हमारी जो संस्कृति है हरियाणवी संस्कृति जो पहले होया करती, हमारी वेशभूषा है, हमारा बोलना चालना है, हमारा रहन सहन है, हमारे कायदे कानून है सामाजिक, वो कितने बदल गए उस टाइम। कल्प शास्त्र है ना, वो सारी चीज है, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी बात आ जाए उसमें, सबसे बड़ा योश है संस्कृति बदलाव। पढ़ाई का छह शास्त्र देखे हैं, शिक्षा उच्चारण से कल्प अपनी जितनी रीति रिवाज जो कायदे कानून अपने वो सारे आम हैं, जो जो छंद कह रखा ना या छंद भाषा थी, जो वेद से ना वेद लिखा रग वेद, यो रग ऋषि से यो अंगीरा वो अग्नि तो ऊँ कह रखा है, वो थी बताऊं तो और बड़ चली जा है बात। संस्कृति का जो बदलाव आ गया ना, वो डनपैन का और ये रागनी भजना का, इनका काफी चेंजिंग आ गई, बदलाव आ गया महसूस करो हो? महसूस करे तो मन नहीं रागनिया मनु देख देख और रागनी मनावनी आ गई,
इनकी देख का वह काफिया बंदी गलत सलसौड़ा भी बता दूंगा मैं इनकी सारी और सही से वह भी बता दू। आपने जो हमारे पहले जो कवि थे दादा लक्ष्मी चंद थे, आज हमें एक कवि श्रोमणी चतुर्सांगी जी की जयंती में आपने ये कवि देख रखे हैं? पूरे मन सिंह था इसका तो रुवांदे है, वो भी देख रखा, लक्ष्मी भी देख रखा, माई चंद रत्ती सब देख रखे है। हाँ। इनके आपने सांग भी सुने हैं कदे? सारे सुने सी बचपन तक आपने शौक था? हाँ, रागनिया सारी बात मेरा मैं बरियारते मेहर सिंह की भी सारी सुन रखी। आपने मेहर सिंह जी भी गांव ते सुने हैं कभी? हाँ, मेला में गाया करता आसोदे भी बरियारता बूढ़ेगा मेला उड़े भी गाया था गांव ते सारे का गाया करते मैं नहीं पर मैं तक गाया नहीं। फिर दिल्ली था कंपनी बाग कंपनी बाग मैंने सुना एक खंबा था वो खंबे के नीचे गाया करते करते वो खंबा था मेहर सिंह के नाम से मशहूर था, ये सच्ची बात है? ये सच्ची बात थी उस वक्त गए हैं देखा प्रोग्राम वो बहुत बड़ा था यो कंपनी बाग बच्चा लो चार घास था बहुत फने था जमुना जी गणे नहाया करते जमुना का भजन भी बना रखा या कुंवारी बताई सुनने झूठा दोस्त दरो बीरा पर बीर एक सी सारी कोनी बुगले भगत गणा दू को तीन तक कोई थारी कोनी। तो एक बात बताओ मैं मेहर सिंह की जो आवाज थी मैंने सुना बहुत सुरीली आवाज थी उनकी। वो सारी बात थी ठीक उस जब की और फिर ये तो बदलती जा है साहब है तर्ज कोई है रागनी आप चला के देख ले ऊपर कौन सी चाल है उनकी आवाज काफी साफ सुथरी थी रे कच्चे रचनाकार थे घना कमल गाया करता हूँ और बनाया भी कमरे करता हूँ सुबह खटमट है फिर भी पहरा बदलता जा से अर्फ बदलते जा से अर्फ भी तो विद्या की भी तब लखन के भी बदल रहे हैं तो वो सारी बात देख रखी है मैंने और बस्ती राम भी देख रखे है। तो हमारे आज का जो हमारे युवा हैं वो रागनियां छोड़ ला रहे हैं सुनते को ना आप भी जाओ प्रोग्राम में आप आड़े भी आ रहे हो कई जगह आप बरोना में देखे थे आप जा रहे थे कई जगह आप जाओ हमारे आजकल के बाद रागनी सुनना है छोड़ के। हाँ यह बात नहीं होगी यो खड़ा सारी सुन ले यो हाँ, यो खड़े यो हाँ, और यो है जड़ा से नहीं जड़े हैं असल बात तो इन्हें सब क्यों खोस लिया इस चार इंच पांच इंच में भर दिया सारा रिकॉर्ड भाई ताऊ जी का कहने का चार इंच पांच इंच मतलब यो मोबाइल है चार इंच का इसकी लंबाई पांच इंच यो सारा सौदा ही फोन में आ गया और इस कारण जो हमारी संस्कृति का सत्यानाश हुआ। हाँ। फिल्म भी कम देखे सिनेमा भी क्यों टीवी आ गए सारा घर पहुंच गया यो सारा सांग मोबाइल है ना मोबाइल ने और बात हो रही ये पंजाबी गाँव ना डम डम करके पंजाबी ना हरियाणा में जो गांव है डीजे गांव है इतना आप इसने आप कितना सही मानो हो कचिए ना मानता मैंने जो मारी संस्कृति है कौन है मारी इनकी बात ना मिलती ना ना साज मिलता ना आवाज मिलती हाँ, फिर हाँ। ना साज मिलता ना आवाज मिलती फिर भी बाकी ने सुन लग रहे हैं मारी जन्यू सोच लो सारी बात मारे तो घाघरा पर रहते बावन गज का ये झूठ बोले बावन गज कले च खच है अपने बावन कली बनिया कली गणी मैं सच्चाई नहीं ले हाँ, गागरे में जो कली पड़ती थी वे गागरे में जो कली मतलब बावन गज का घाघरा नहीं होया करता कली होया करता कली बावन बना करती समाचार होड़ से इसलिए तो ये आ गई आप समझो चौसी होया करती बावन गज के खरड़ में कौन भी बनी खे चलेगी आप पर सोचो बावन कली बना कली होया करती इसमें उसको बावन गज गोल बनाया करते मुगजी का चिड्डारती लमन उसका चिड्डारती। एक बार बताओ आज के मोबाइल युग ने हमारी रिश्तेदारी भी खो दी के पहले हम रिश्तेदारी में जाया करते दूर दूर आया करती समझाने में कितने भी रिश्तेदारी दो तीन चार दिन रुकिया करते आज चार घंटे उल्टे आ गया है अभी मोबाइल कितना फर्क पड़ रहा है आज और बात है ना तो समझाने में जाना ना ससुराल में जाना ही तो बोल ले इन्हें सब कम बंद कर दिया कि नहीं यूं बताता हूँ झूठ बोल रहा है सच का नहीं सही सही बोल रहा है आप एकदम
और बात है तो हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे युवा ने आप के संदेश देना चाहोगे? एक और के संदेश दोगे? सबको यह कहना चाहोगे अगर भाई ये हमारी संस्कृति को मत ना भूलो, ये जो दूसरे आ रही है हाँ अपनी संस्कृति को सीखो, क्योंकि इसमें जो हर एक शब्द होता है और शब्द का एक अर्थ और अर्थ में तर्क निकलता है, उस तर्क को समझोगे तो अपनी संस्कृति को सजाओगे और संभाले रखोगे। अदरवाइज हम अपनी संस्कृति को भूल गए और भटक गए तो आने वाला समय हमारे दूसरी तरह का ही होगा। संस्कृति को बनाए रखना है तो इसको समझना परखना जानना जरूरी है। ये पूर्वजों की दी हुई एक धरोहर है और इस संस्कृति को बनाए रखो। सारी अपनी संस्कृति छोड़ दी कच्ची भूल के जाना यूए सत्या नाश हो रहा है। सारी बात छोड़ दी, बोलना बतलाना छोड़ दिया, औका पानी छोड़ दिया। बाबू बेटे जन्म तलाव है अपनी घर की। तो आपका बेटा तो सही है, आपका बेटा तो मैंने देखा 3-4 प्रोग्राम हम साथ ले, ये संस्कार फर्क हो गया। यो जो जो छोरा खास समझ रहा है बाबू ने ठाए ठाए आंदा है। मतलब यार एक औलाद ने यह बात है समझने की जरूरत है आज के टाइम पर। हाँ जरूरत है, जो समझ रहा है एक मारा होना चाहिए। नहीं बाप ने ले मैं 94 साल चलता हो रहा हूँ। जब भी ले तो आप 94 साल के लागते तो कौन है कती ना रखू बढ़िया खा रखा है। मतलब उस टाइम पे कुश्ती मैंने कौन और बस 3 बार रटे को लिया और यो त्रिजड़ में बैठा रहता हूँ। और बताऊ आप कुश्ती भी खेला करते हैं? कुश्ती में मैं घना खिलाड़ी था। सारी बात में चेस्ट पर जाना जो मेंटर रहा हूँ उस टाइम पे। हाँ, क्लास के मेंटर गणी क्यों को मेरा याद बनाई बढ़िया में भी नहीं करता पद ब्राह्म दम से लिख के बोला चौधरी ने देखाओ। हाँ जो गुरुजी थे पादे राम जी जटोला वाले सापला मंडी में मुंडी हिंदी पढ़ाया करते उनके गुरुजी हुआ करते, लेकिन गुरुजी अपने पद ना हटा के यूं कहा करते जब बच्चों का काम चेक करना होता अब चौधरी मेर सिंह ने दिखाओ वो ठीक बताओगे दिखाओ। जब हम मुंडी पढ़ने लगे ना साहब उन्हीं में तो बढ़िया है ज्यादा पी डालते मेरी रुचि गणी है आखिर इतनी किताब में मेरी आंख फूट गई। मैं पढ़ने में घना जान रहा है ये कॉपी कॉपी सारे पढ़ कर और फिर मैं उनके अर्थ समझने लग गया। ये थे अपने साथ में चौधरी मेहर सिंह जी और उनके सुपुत्र। मैं आपको बता दूं इनसे हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है जो हमारी संस्कृति आज के समय पर विलुप्त होती जा रही है। अगर हमें उसे बचाना है तो हमें चौधरी मेहर सिंह जी भाई साहब से हमें सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से एक युवा अपने पिताजी की जो धरोहर है उसको बचाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब मिलकर हमारी हरियाणवी संस्कृति को नरेंद्र कुमारी संस्कृति।